जेबीटी भर्ती घोटाले मामले विच हरियाणा दे साबका मुख्यमंत्री अते इंडियन नेशनल लोक दल दे कौमी प्रधान ओम प्रकाश चौटाला दी सजा पूरी हो गई है। अजिही स्थिति विच उन्हां नूं शुक्रवार सवेरे तिहाड़ जेल विचों रिहा किया गया। ओम प्रकाश चौटाला तिहाड़ जेल तो बाहर आके सीधा घर लई रवाना हो गई। उन्होंने मीडिया दे नाल कोई भी गलबात नहीं की। इसे दौरान उन्होंने समर्थक वड्डी गिनती दे विच तिहाड़ जेल दे बाहर इकट्ठे हुए। जिवें ही ओह तिहाड़ जेल विचों बाहर आए उन्होंने समर्थकों विच खुशी की लहर छा गई। दरअसल कोरोना महामारी कारण ओम प्रकाश चौटाला जेल विचों बाहर सी। उन्हां दी सजा 23 जून नूं पूरी हो चुकी सी, पर उन्हां दी रिहाई दीआं रस्मां पूरीआं नहीं होईआं सी। अजिहे विच शुक्रवार नूं ओह दुबारा फिर तो जेल विच पहुंचे अते उन्हां नूं रस्मी तौर ते जेल विचों रिहा कर दिता गया। जे बी टी घोटाले विच उन्हां दी 10 साल दी सजा विशेष छोट हेठ मुकम्मल हो गई सी अते कोरोना महामारी दे कारण ओह करीब 1.5 साल तो जेल विचों बाहर सी। जानकारी अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे मामले विच दिशा निर्देश जारी किते सी, जिस विच कहा गया सी कि जेला विच भीड़ घट कीती जावे। इस दे मद्देनजर सूबा सरकार ने अपने नियम बनाए, जिस कड़ी तहत दिल्ली सरकार ने विशेष माफी दा नियम बनाया अते इसे नियम दे मद्देनजर 10 साल दी सजा दे 9.5 साल पूरे कर चुके व्यक्तियां नूं रिहा करन दी व्यवस्था कीती गई सी, जिस दे मद्देनजर ओम प्रकाश चौटाला दी सजा पूरी हो गई। दस दईए कि ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी उम्र अते अपाहजता दे आधार ते जेल तो रिहा करन लई दिल्ली हाई कोर्ट विच पटीशन भी दायर कीती सी। इस तो पहला दायर कीती गई पटीशन विच चौटाला ने केंद्र सरकार दे 18 जुलाई 2018 दे नोटिफिकेशन दा हवाला दिता सी। नोटिफिकेशन तहत जेकर 60 साल तो वध उम्र वाली 70% अपंग अते बच्चे अगर अपनी अद्धी सजा कट चुकी है तां सूबा सरकार उन्हां दी रिहाई ते विचार कर सकदी है। जिस दे मद्देनजर हरियाणा दे साबका मुख्यमंत्री अते इंडियन नेशनल लोक दल दे कौमी प्रधान ओम प्रकाश चौटाला दी सजा पूरी हो गई। हरियाणा दे साबका मुख्यमंत्री दे तिहाड़ जेल विचों बाहर आन ते उन्हां दे समर्थकां विच खुशी दी लहर छा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, चढ़दी कला, टाइम टीवी।